सो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैकअप और रिस्टोर पे काम करते हैं। जैसे मुझे कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, मैंने बैकअप पे क्लिक किया। पहले पहले बैकअप ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने बैकअप पे क्लिक किया तो एक चीज आप देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, बैकअप टू लोकल पीसी और यूएसबी डिस्क। हम किस पे काम कर रहे हैं, वर्चुअल फायरवॉल पे, जिसको हमने सेटअप किस पे किया हुआ है, GNS3 के ऊपर। सो यहाँ पे क्या है, मैं वर्चुअल फायरवॉल के साथ काम कर रहा हूँ, वर्चुअल फायरवॉल है, इसलिए यूएसबी डिस्क का जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड नहीं है। अगर मेरे पास फिजिकल बॉक्स होता ये ऑप्शन क्या होता, हाईलाइट होता। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो हाईलाइटेड है, वो है लोकल डेस्क। तो यहाँ से मैं बैकअप ले सकता हूँ, मैंने क्लिक किया ओके, और ये मेरी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस फाइल को देख लेते हैं, जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसका बैकअप मेरे पास ये है। आगे आप ध्यान से देखो, जितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिख रही है वो सारी चीज़ें आपकी प्लेन टेक्स्ट में है, राइट, क्लियर टेक्स्ट में है। अब बैकअप का एक और तरीका आपके पास है, आप इंक्रिप्शन मेथड यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, ये जो बैकअप है ये पूरी तरह से क्या है, प्लेन टेक्स्ट में। अगर किसी अनऑथराइज पर्सन को मिलती है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन को वो देख सकता है। तो मैं इस बैकअप को अगर इंक्रिप्टेड वे में लेना चाहता हूँ तो मेरे पास इंक्रिप्शन इनेबल करने के लिए ऑप्शन है, और यहाँ मैंने क्या किया, पासवर्ड सेट कर दिया। पासवर्ड हम यहाँ पे इसलिए सेट करते हैं कि मान लो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को ये कॉन्फ़िगरेशन जो बैकअप फाइल है इसको रीस्टोर करना है, तो जब वो रीस्टोर करने आएगा तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कोई भी अनऑथराइज पर्सन इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रिस्टोर नहीं कर सकता, तो उसके पास पासवर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, 123 123। ओके किया आपने। अब ये जो आपका बैकअप है, ये बैकअप आपका इनक्रिप्टेड बैकअप है। अगर आप इसको ओपन करो, अगर आप इसको देखोगे तो ये जो बैकअप है पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड है। आप नीचे आते जाओ, सारी इंफॉर्मेशन। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, आपके पास एक चीज़ क्या थी, एक क्लियर टेक्स्ट बैकअप था और एक इनक्रिप्टेड बैकअप, राइट। क्लियर टेक्स्ट में क्या है, सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर टेक्स्ट में दिख रही है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रही है, और इनक्रिप्टेड में क्या है, सारी कॉन्फ़िगरेशन इनक्रिप्टेड है, राइट। अच्छा एक चीज़ में वेरीफाई कर लो, जो फर्स्ट लाइन है ना दोनों बैकअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, जो फर्स्ट लाइन है, जैसे फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन क्या है, ये क्लियर टेक्स्ट में है, ये इनक्रिप्टेड बैकअप के अंदर भी क्लियर टेक्स्ट में है, और जो क्लियर टेक्स्ट बैकअप आपके पास है उसमें भी वो क्या है, क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लाइन आपको ये बताता है कि ये जो आपने बैकअप लिया है किस ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लिया है, कौन सा फर्मवेयर वर्जन है। जैसे देखो ये फर्स्ट लाइन आपको दिखा रहा है क्या, आप 6.2.9 ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, और यही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी दिख रही है 6.2 के साथ। तो सो फर्स्ट लाइन इनक्रिप्टेड बैकअप के अंदर और क्लियर टेक्स्ट बैकअप के अंदर, फर्स्ट लाइन क्या होती है, सिंपल क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, जो आपको कम से कम ये बताता है कि ये बैकअप किस ऑपरेटिंग सिस्टम का लिया हो। ये तो क्लियर हो गया होगा कि इनक्रिप्टेड बैकअप भी हमारे पास होता है और हमारे पास क्लियर टेक्स्ट बैकअप भी होता है। अब यहाँ पे मान लो मैंने बैकअप ले लिया, मुझे रीस्टोर करना है, ऑप्शन बड़ा सिंपल है। आप यहाँ चले जाओ एडमिन पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, और ये ऑप्शन है रीस्टोर, आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रीस्टोर का। तो अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, हम वर्चुअल फायरवॉल के साथ काम कर रहे हैं, तो फिजिकल बॉक्स अगर आपके पास है तो ये ऑप्शन भी हाईलाइटेड होगा। अब ये नहीं है बिकॉज आप क्या कर रहे हो, फिजिकल बॉक्स के साथ नहीं काम कर रहे। तो लोकल पीसी, यस, जो बैकअप पड़ा हो, जो बैकअप मेरा पड़ा हुआ है वो लोकल पीसी, इसी डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर पड़ा हुआ है, राइट। तो मैंने कहा मुझे यहीं से रिस्टोर करना है, तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करोगे आप, जो भी आपकी बैकअप फाइल थी आपकी, आपने उसे सेलेक्ट किया और ये पासवर्ड आपने सेट कर दिया, जो पासवर्ड आपने बैकअप के टाइम पे डिफाइन किया था। तो ये आपकी बैकअप और रीस्टोर है ऑन FortiGate फॉरवर्ड। क्लियर है मेरी बात को।